हेलो, आई एम एंजल सिंह, डायरेक्टर बाय ट्रिपल एन प्रोडक्शन हाउस। सो आज आप सबके सामने मिस एंड मिसेस जम्मू सीजन 4 के विनर्स बैठे हुए हैं, जिनको मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। ये मेरे साइड लेफ्ट साइड मेरे मिस हैं एंड राइट साइड मेरे मिसेस बने हुए हैं। मिसेस मीनाक्षी महाजन, जो कि 23 की विनर हुई है मिस जम्मू, मिसेस जम्मू सॉरी, एंड मिस आकृति 23 की विनर हुए हैं मिस जम्मू अभी, जिसकी दीपांशु फर्स्ट रनर अप एंड प्रियंका गुप्ता फर्स्ट रनर अप, जो कि विनर्स आपके सामने हैं, जो कि इनकी जूरी मेंबर मान्या सिंह, जो कि मिस इंडिया 2020 के विनर हैं और बिग बॉस में 3 वीक्स अभी सीजन 16 के विनर हुए थे। उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और इसमें स्पेशल गेस्ट सुप्रीत कौर थे एंड गुरदीप कौर थे, और जूरी मेंबर हमारे मान्या सिंह, जसमीत रीन, आशिमा शर्मा, मनमीत सिंह, अपना शोहित काज भी सर हमारे चीफ गेस्ट थे इसमें। सो अभी आप सबके सामने मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये हमारे विनर्स आपके सामने हैं और इनको आगे आने वाले टाइम पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बॉलीवुड में इनके ऑफर्स आए हुए हैं पंजाबी सॉन्ग्स में, वेब सीरीज में एंड डॉक्यूमेंट्री मूवीज में। सो एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि बाइक ऑन स्टेज पे एक प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे ऑन मीडिया के सामने, ऑन जूरी मेंबर के सामने, कि टैग नंबर 5 बोला गया मिसेज में, बट टैग नंबर 2 आगे आ गया क्राउनिंग के लिए, सेशन के लिए वो पूरा हुआ। जूरी मेंबर ने वो चीज़ की थी उनके ऊपर, पर मान्या सिंह ने क्वेश्चन पुट किया कि टैग नंबर 5 विनर हुए, 2 को दिया गया, बट 2 से फिर वापस उसी टाइम ऑन स्पॉट जूरी मेंबर के सामने, ऑन मीडिया के सामने, ऑन चीफ गेस्ट के सामने वापस लिया गया और मिसेस जम्मू मीनाक्षी महाजन को दिया गया। सो ऐसी ऐसी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है, तो बट फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। बाकी क्वेश्चन आंसर आप मिसेस से या मिस से कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये इवेंट हुआ और आपको एक खिताब मिला और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका भी, जैसे एंजल सिंह ने कहा साफ तौर पर कि दिया जाएगा, क्या कहेंगे? आई वुड डेफिनेटली से दैट ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है और हम लोग को जितना भी प्रैक्टिस करा इम्प्लीमेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इसके आगे, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई एंजल सर। इस इवेंट में कितनी आपने मेहनत की और किस दिन का सहयोग रहा आपको? बोलते हैं कि सक्सेस एक दिन की चीज़ नहीं होती है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आई वुड से कि मेरी जो ये प्रिपरेशन थी ये बहुत टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी थी, पर बीच में हम लोग को सर का सपोर्ट था, एक पार्सर का सपोर्ट था एंड अपने जो कंटेस्टेंट थे उनका भी सपोर्ट था, तो आई थिंक एवरीवन सपोर्टिव हुआ। माता पिता का सहयोग भी बहुत अहम होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? आई वुड से कि सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है या सबसे बड़ा जो कन्विंसिंग करने वाला जो एक मेन चीज़ होती है वो कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को फॉर दिस फील्ड, सो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इनिशियल स्टेज के लिए ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अपने पेरेंट्स को बताने के लिए आई एम फॉलोइंग दिस जम्मू कश्मीर इस टाइप के इवेंट्स के लिए कंजर्वेटिव काइंड की सोसाइटी माना जाता है। आपको डिफिकल्टी महसूस हुई कभी जब आपने ये गोल चूज किया? Yes, in the beginning it was very difficult for me because obviously we can't change people's mindset, right? But मैं हमेशा अपने आप पे यकीन रखी कि मेरे को जो भी लगता है कि सही है मेरे लिए, मैंने हमेशा उसको फॉलो किया। कब से आपका शौक रहा है ये इस चीज़ में आने का, या सडनली आपने इसमें एंट्री डाली है, और क्या लगता है कि कहाँ तक आप जा पाएंगे इस चीज़ में? मुझे अपने काम पे भरोसा है, अपने हार्डवर्क पे भरोसा है, बाकी भगवान जाने हम कहाँ तक जाएंगे, बट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस। पर मैं बचपन से इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, मुझे बहुत मन था कि मैं पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करूँ, पर एक डर भी रहता था कि सोसाइटी आपको पहले एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ के लिए, एंड इट वॉज लाइक काफ़ी मुश्किल फील है अपने में, तो अब यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू टीच योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से अपन को स्टार्ट करो बाकी के साथ। जैसे कि मिसेस से तो बात कर ली, अब मिसेस से बात करेंगे कि क्या लगता है आपको कि एक तो आपको मौका मिला और दूसरा घर के काफ़ी सारे काम होते हैं उनको छोड़कर इस चीज़ में आना और कितनी मेहनत करनी पड़ी? वेरी टिपिकल जॉब, ये खासकर मिसेज के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मिसेज होते उस पर तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं,
और मैं तो चाहती हूँ सब मिसिस को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि लोग जब सोचते हैं ना कि मिसिस ये मॉडलिंग की फील्ड, उनको लगता है कि नहीं मॉडलिंग की फील्ड में कभी किसी को नहीं आना चाहिए, वो गलत सोचते हैं। हमारी सोसाइटी में ये सोचते ही नहीं, मिसिस को घर बैठना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, अपनी फैमिली देखनी चाहिए, बट विदाउट फैमिली सपोर्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हबी की सपोर्ट थी, मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और थैंक्स टू एंजल सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक आई, इन्होंने मुझे मौका दिया, ऑफर किया, और सारी मेहनत तो कोरियोग्राफर और सर ने बहुत मिसेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें क्या पार्टिसिपेट करने जा रही हैं आप? क्या मैं ना जब छोटी थी ना तब से मुझे था कि मैं कुछ बनूं, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड के नाम से नहीं जाना चाहूँ, मैं अपने नाम से जाना चाहूँ, और वो मौका मुझे सर ने दिया। नहीं, मिसेस वर्ल्ड का आपका इवेंट एक अलग से है। मिसेस वर्ल्ड में बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट होते हैं, क्या उसमें आपकी इच्छुक है कि आप वहाँ पे भी इसको पार्टिसिपेट करेंगे? हमें प्लेटफॉर्म ये वाला मिला तो जाहिर है कि हमें वो भी मिलेगा, और मैं ये चांस खोना नहीं चाहती हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची। सर, एंजल साहब से एक सवाल लूँगा मैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर की तरफ देखा गया, बॉलीवुड का जो है वो रिटर्न हुआ है, क्या वो एक इवेंचुअल टर्न ऑफ टाइम था, या आपको लगता है कि बॉलीवुड का रियल में जम्मू कश्मीर में कमबैक हुआ है? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन से पुट किया हुआ है। वो चीज़ जो आप बता रहे हो ये 80s में 90s तक हुआ था, जब आफ्टर मिलिटेंसी के बाद ये हुआ चीज़, जैसे मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो जो वहाँ के बॉलीवुड की जो भी टीम्स थी उनका आना बंद हो गया था, क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी नज़र नहीं आई, कहीं कुछ लगा नहीं। बट अब फिर से पिछले 2-3 साल से ये चीज़ रिटर्न हुई है, तो थैंक्स टू गवर्नमेंट की, थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा संभाला है, उसको मैं थैंक्स करूँगा, गवर्नमेंट साहब को थैंक्स करूँगा, जो हमारे यहाँ पे फिल्म पॉलिसी लेकर वो आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी एक जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको एक मौका मिलेगा इस चीज़ के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, हर एक बॉलीवुड मूवीज़ जितने भी सलमान खान, अक्षय कुमार, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े जो इस टाइम एक्ट्रेस या एक्टर है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों शूट करने आते हैं? क्योंकि सर यहाँ की जो खूबसूरती है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा एलजी साहब से, एक रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे पॉलिसी बनाए, फिल्म पॉलिसी बनाए, आर्टिस्ट को मौका दिया जाए, और ऐसे आर्टिस्ट जो विनिंग हो रहे हैं इनको बार मौका मिले, क्योंकि इनका बहुत बड़ा ड्रीम होता है, इनका बहुत बड़ा हार्ट होता है। मिसेस कैसे घर छोड़ के आती है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए, मिस कैसे अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, साथ में आ रही है, सब ये बहुत बड़ा एक स्टेप है इनके लिए, तो मैं चाहता हूँ बाहर एक मौका मिले। आपने कहा कि बाहर मौका मिलना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर में स्कोप नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? सर अभी बिल्कुल भी नहीं है स्कोप, अभी जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्टिस्ट हैं सब टोटली बैठ गए हैं, उनको काम नहीं है, उल्टा सर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, तो उनको एक अच्छा स्कोप मिल रहा है। तो मैं यही सबसे कहूँगा, जो एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक फिल्म पॉलिसी बननी चाहिए, उसके तहत एक चीज आगे काम होगा। सर इस किस्म के इवेंट्स जो आपने ये जो 999 प्रोडक्शंस ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, क्या फर्दर कोई आपका ऐसा आने वाला इवेंट और है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे आने वाले पंजाबी सॉन्ग्स हैं जिनमें काम करेंगे, उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्री मूवीज हैं, मेरे वेब सीरीज है, मेरी मूवीज है जो कि मेरी बॉलीवुड मूवीज बाहर से आएगी, उनके साथ ये जो आर्टिस्ट है ये काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।